हेलो दोस्तों, आपका मैथ स्टडी बाय विजय सर में स्वागत है। आज दोस्तों हम यूपी बोर्ड 2020 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दोस्तों मैंने मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डाल रखा है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई संख्या 21 से उतनी बड़ी है जितनी कि वो 75 से छोटी है तो वो संख्या क्या कहती है। तो दोस्तों क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि वो संख्या एक्स है, मानेंगे कि माना संख्या एक्स है, माना संख्या एक्स है, ठीक ना। तो कह रहा है कि 75 से उतनी छोटी है, 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। तो 31 से बड़ी है यानी प्लस कर कर बड़ा आता है, ठीक। 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, 75 से छोटी का मतलब माइनस, ठीक, बराबर, यानी 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। तो कर लीजिए, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर 75 प्लस 31 उधर जाएगा तो माइनस 31। तो x x 2x बराबर 75 31 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 106, 5 1 6 7 3 2, x निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 106 बटा में 2, तो कितना जाएगा, 2 5 10 यानी 2 3 6 यानी वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों तो आप क्या करिए, डायरेक्ट दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दीजिए तो डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + b + c बराबर 9 जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान पूछा था। देखिए दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दिया है तो आप पुट वैल्यू रख लीजिए, ऐसा ए बी सी का मान रखिए कि जोड़ने पर 9 आ जाए। तो अगर ए बराबर हम मान लेंगे दोस्तों, मान लेंगे कि माना ए बराबर बी बराबर सी बराबर 3, यानी अगर सबको 3 मान लिया जाए कि ए भी 3 बी भी 3 ठीक ना सी भी 3 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 और 3 6 6 3 9 यानी अब क्या रख दीजिए, इसका मान पूछा है ना तो अभी यही ए के ऊपर 3 रख दीजिए, सबको 3 मान लिए हैं, ए को भी बी को भी सी को भी, यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3, तो कितना हो जाएगा, तितली का 9 हो जाएगा, ये भी तितली का 9 हो जाएगा, ये तितली का 9 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे सबको तो कितना हो जाएगा, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएगी, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 हो जाता है, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होता है। देखिए दोस्तों दो बालक है तो उनकी आयु का अनुपात 5:6 है ना, और 2 वर्ष बाद प्लस 2 ठीक ना, 2 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 7:8 हो जा रहा है, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है 12 वर्ष बाद। तो देखिए दोस्तों इसको ट्रिक से कर लीजिए, एक समान को करेंगे तो बराबर, ठीक ना, यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पर 5, 6 में से 5 घटा 1, यहाँ पर भी 8 में से 7 घटा 1 सही है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कितने का अंतर है, 8 में से 6 घटा 2, यहाँ पर 7 में से 5 घटा 2 यानी 2 का अंतर रहता है, 2 यूनिट बराबर कितना आया, 2 वर्ष बाद ना तो 2 वर्ष ठीक ना, तो 1 यूनिट निकाल लिए कि 1 यूनिट बराबर कितना, तो 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1 वर्ष, यानी 1 यूनिट का दाम अगर 1 वर्ष तो ये 5 है ना, तो 5 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 5 वर्ष, यानी पहला जो लड़का है उसकी आयु है 5 वर्ष, और ये 1 यूनिट का दाम अगर 1 वर्ष तो 6 यूनिट का दाम यानी 6 वर्ष कितना हो जाएगा इसका, दूसरे बालक की आयु हो जाएगी 6 वर्ष, तो 12 वर्ष बाद अनुपात पूछा है, अनुपात कितने वर्ष बाद पूछा है, 12 वर्ष बाद, तो पहले लड़के की आयु कितनी है, 5 वर्ष, दूसरे लड़की की आयु कितनी है, 6 वर्ष, 12 वर्ष बाद पूछा था, दोनों में 12 12 का कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 12 5 17 बटा में 12 6 18 नहीं कट रहा है, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 को ऐसे दो भागों में विभाजित करें कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 है, आप मान कर भी कर सकते हैं दोस्तों, 50 को भाग करना है ना तो एक को मान लेंगे x, एक को मान लेंगे 50 - 1, ठीक ना, कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम का योग यानी x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x, 50 - x का व्युत्क्रम हो जाएगा 50 - x, योगफल 1/12 है, तो आप इस समीकरण को कर सकते हैं, ठीक ना, तो ऐसे करेंगे दोस्तों तो बहुत समय लगेगा, तो आप क्या करिए, आप ऑप्शन से कर लीजिए, कह रहा है कि 50 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि इनके व्युत्क्रमों को जोड़ने पर 1/12 है, 20 है तो 1/20 हो जाएगा, ऑप्शन से कर रहे हैं, ऑप्शन से कर रहे हैं दोस्तों, 30 है तो 1/30 हो जाएगा, तो इनको जोड़ लीजिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, मान लीजिए 60, 20 - 60 3 × 3 30 × 60 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 5/60, कटा दीजिए 5 × 5 = 12 यानी 1/12, तो कह रहे हैं इनके व्युत्क्रम का योग 1/12 हो रहा है, तो व्युत्क्रम का योग इनको जोड़ रहे हैं तो 1/12, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन से जल्दी से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना, तो लंबाई और चौड़ाई को दोगुनी कर दिया जा रहा है, तो मान लीजिए माना अगर लंबाई अगर रियल होगा दोस्तों, लंबाई अगर
यल मान लेंगे चौड़ाई, बी मान लेंगे तो क्षेत्रफल इसका कितना होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई यल गुणे बी, ठीक है ना, यल बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यल बी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि यदि लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, नई लंबाई कितना, नया लंबाई कितना, लंबाई दुगुना यानी 2L, और नया चौड़ाई, चौड़ाई भी कह रहा है कि दुगुना कर दिया जाए, तो नया चौड़ाई कितना 2B। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, नया क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुड़े चौड़ाई, तो लंबाई गुड़े चौड़ाई, तो लंबाई कितना माने, लंबाई माने 2L, चौड़ाई आ गया है 2B, तो उड़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दुदुनी के चार एल बी हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल एल बी आया था, आप बढ़ाने के बाद क्षेत्रफल 4L हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या, सबसे पहले देख लेंगे कितना बढ़ गया, जैसे 50 रुपये से 60 रुपया हो गया तो घटा देंगे, ठीक ना, उसी तरह 4L में से 1L घटा देंगे, 4L में से 1L घटा देंगे, बटा में प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है LB, आप प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा, तो कितना लेगा, घटा दीजिए 3LB बटा में LB गुणे 100, LB से LB खत्म, यानी 300 100 में गुणा 300% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% अंक मिले, महुआ नाम है दोस्तों, तो महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% अंक कम मिले, अंक 10% कम अंक मिले, तो महुआ को 81 अंक मिले तो सुप्रिया के अंक बताइए। देखिए दोस्तों, महुआ को जो क्या मिला है, महुआ को मान लेंगे कि महुआ को सुप्रिया से 10% कम अंक मिला है ना, तो सुप्रिया से 10% कम -10%, अगर इसको 100 मिला होगा तो इसको कितना मिला होगा, 10% कम यानी 90। अब कह रहे हैं दोस्तों, अब कह रहे हैं कि यदि महुआ को 81 अंक मिले, महुआ को 81, तो यहाँ पर महुआ को कितना मिला है 90, यानी 90 यूनिट का दाम दे दिया कितना 81, 90 यहाँ पर या 81 दोनों बराबर है, तो सुप्रिया को कितना मिला, तो 1 यूनिट निकाल लीजिए, 1 यूनिट 81/90, सुप्रिया को कितना माने 100, तो 100 यूनिट निकाल लीजिए, 100 यूनिट बराबर 81/90 गुणे 100, मतलब एक पेन का दाम इतना, कितना भी पेन का दाम पूछेगा तो गुणा करेंगे, तो कटा दीजिए 0 9 81, यानी 9 से 10 में गुणा 90 अंक मिले हैं सुप्रिया को, 90 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुतम समापवर्तक बताइए, लसा बताना है दोस्तों, लसा, तो देखिए कभी भी भिन्न का लसा बराबर क्या होता है, मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में, तो देखिए भिन्न का लसा बराबर क्या होता है, भिन्न का लसा यानी LCM लघुतम समापवर्तक, तो भिन्न का लसा बराबर लसा ना, तो अंश का लसा, क्या अंश का लसा, बटा में हर का मस, हर का मस, ये सूत्र होता है हर का मस, तो अंश का लॉस, तो अंश क्या है 2 4 5 है, तो 2 4 5 का लॉस निकाल देंगे, 2 4 5 का लॉस LCM, ठीक ना, आ हर का मस मतलब 3 9 6 का क्या निकाल लेंगे, 3 9 6 का मस निकाल लेंगे यानी LCM, तो 2 4 5 का LCM कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 6 20 हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा, आ इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF मैंने 60 तरीके से किस तरह निकाला जाता है उसको बताया था, ठीक ना, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए 9 में से 6 घटा दीजिए कितना डिफरेंस आ रहा है 3, यानी HCF 3 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 3, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, घनमूल रूट 2 का ये वर्गमूल 3 का, ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप इसको किस तरह करेंगे, देखिए किसका एलसीएम निकाला जाता है, जो ये 3 है ना अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 होगा, वर्गमूल का मतलब 2 होता है, 1/2, ठीक, तो 2 होगा, यानी 3 और 2 का एलसीएम निकाल दीजिए, 3 2 का एलसीएम, 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, कितना 6, तो आप क्या करिए भाग दे दीजिए, 3 से 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा करिए, 3 गुणे 2 और 2 के पावर 2, 2 बार गया ना, तो 2 पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ में 6 है ना, यहाँ पर 2 है ना, 2 से भाग दीजिए 6 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर 3 यानी 3 के पावर 2 कर सकते हैं, 3 बार गया ना, तो 3 के पावर 3, 3 बार गया था 3, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस याद करना है कि इस अंडर रूट वाले से भाग देना है,
जितना आएगा उसका पावर कर देना है, ठीक ना। तो आप कर दीजिए कितना आएगा, दो दूने के चार, यानी छह हो गया, दो 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 बार पूरा चार आइए, तीन के पावर तीन कितना होता है, सत्ताईस होता है, आइए छह, तो दोनों में कौन बड़ा है, चार की सत्ताईस, तो कौन सा, ये सत्ताईस बड़ा है ना, यानी ये बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अधिकतम मान पूछा है, इसका अधिकतम मान, तो अधिकतम मान के लिए क्या होता है दोस्तों, थीटा बराबर रख लीजिए शून्य डिग्री या 90 डिग्री, क्योंकि साइन कॉस है, ठीक ना, उसका विपरीत मान होता है, तो थीटा बराबर अगर शून्य अंश रख लेते हैं शून्य अंश, तो कितना हो जाएगा, साइन शून्य अंश के पावर फोर, शून्य अंश के पावर फोर, और प्लस कॉस, कॉस के पावर फोर शून्य अंश, ये कर सकते हैं या पावर कर लीजिए इस तरह, ठीक ना, इस पर पावर, तो साइन शून्य अंश का मान कितना होता है, शून्य, शून्य का पावर फोर यानी शून्य, आकाश शून्य अंश का मान कितना होता है, वन, वन का पावर फोर, तो शून्य प्लस वन के पावर फोर यानी वन, कितना हो जाएगा अधिकतम मान, वन हो जाएगा, कितना, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं काश वन शून्य तीन अंश चार अंश डाट डाट सौ अंश तक का इसका मान पूछा है। देखिए दोस्तों आप किस प्रकार सबके बीच में गुणा है, तो कहीं ना कहीं बीच में काश नब्बे अंश भी आएगा, क्या आएगा, काश नब्बे अंश, कहीं ना कहीं बीच में इसमें क्या आएगा, काश नब्बे अंश आएगा, तो काश नब्बे अंश का मान कितना है दोस्तों, तो काश नब्बे अंश का मान शून्य होता है, कितना, शून्य। तो अगर मान लीजिए काश नब्बे अंश आएगा उसका मान शून्य होगा, तो शून्य से सौ में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, तो शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करने पर शून्य हो जाता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद दोस्तों।